दुष्यंत है। ए साला, तुम्हारा दोस्तों को नहीं चिंता है? है वो सरकारी हाई स्कूल जबलपुर, दसवीं में साला चार चार बार साथ में फेल हुआ था। तुम इधर क्या कर रहा है? अरे कौन फेल हुआ था, हम तो डॉक्टर हैं। डॉक्टर पता नहीं क्यों गले पड़ रहे हो। तुम डॉक्टर राजू है? अरे बाबा, तुम तो राजू है। राजू डॉक्टर किधर से हो गया? मैं डॉक्टर हूँ और मैं दुष्यंत जो है। प्रतिभा जी की हालत में कितनी जल्दी सुधार आया है। इसका शेयर तो आपको ही जाता है, उसके लिए मैं आपका बहुत ही एहसान मंद हूँ और शुक्रगुजार हूँ। आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम। इसकी कोई जरूरत नहीं। यही तो रखे थे पैसे, कहाँ गए? कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहे आप? हाँ, ये पैसे कुछ हमने अपने दोस्त को उधार दिए थे। क्या था उसका नाम, हमें याद नहीं आ रहा। वही जो नकली नाम से डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर रहा था। अब याद आया नाम, रज्जो। है क्या बात कर रही हो, रज्जो तो इनका नाम है। अरे क्या बकवास कर रही हो, मेरा नाम तो दुष्यंत। बस बुलाए हम करण को, पापा को। अब जो कहेंगे ना मैं वही करूंगा। किसी को मत बताइएगा। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। फूफा जी, हम घर जाना चाहते हैं वापस। क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? किसी के यहाँ ज्यादा दिन मेहमान बन के रहने से अनादर होता है ना? दीजिए, हमें ये दे दीजिए, आप आशीर्वाद ले लीजिए। नहीं नहीं ऐसे। अरे दे दीजिए ना। अरे अरे हमें दीजिए। सब क्या है देवयानी? इन्हें ये सब सामान पसंद था तो हमने इन्हें दे दिया। आभा को हमारे बारे में सब पता चल गया। चलते हैं बुआ जी, आशीर्वाद। चलते हैं बुआ जी। आपके पांव तो पहले से ही टूट चुके हैं और अब हमने आपके हाथ भी काट दिए। पापा, ये केस नंबर 777, और ये किसने लिखा है? मुझे नहीं पता। कभी कभी कुछ लाइफ पीछे पड़ जाते हैं। अरे मैं कौन हूँ इंसाफ दिलाने वाला? पापा, हमें पूरा विश्वास है, चाहे कितना भी मुश्किल केस हो, आप बेकसूर को इंसाफ और गुनहगार को सजा दिलाकर रहेंगे। शांत हो जाइए। सबको इंसाफ दिलाने वाला मैं, सजा दिलाने वाला मैं खुद गुनहगार हूँ और मुझे भी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि आभा आपको भी विकलांग संस्था भेजकर ही दम लेगी। वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इन टूटे हुए पैरों के साथ आप स्वर्ण भवन की दौड़ जीतेंगे कैसे?